जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल का समय है। आप भी जब टेलीविजन चैनल खोलते होंगे तो हमेशा रीनीट की बात आती होगी। और बेटा, आप देख रहे हैं कि चाहे सरकार हो, माननीय कोर्ट, ये सब आपके साथ, क्योंकि आपके साथ अन्याय तो हुआ ही था। और हम लोगों से भी जो बन पड़ा बच्चों, हम लोगों ने किया। तो हमें लगता है बच्चों कि रीनीट हो जाएगा, और अगर अचानक डेट आएगी, हम 8 जुलाई का वेट करेंगे, तो बच्चों फिर तैयारी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो बच्चे भी जिनके नंबर 690, 80, 700 आए, वो भी दुखी है, और जिनके नंबर 640, 50 आए, जिनको कॉलेज मिलना था 30, वो भी दुखी है। तो बच्चों, अब बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, लेकिन ये 8 जुलाई तक की वेट में अभी 3 हफ्ते का टाइम है। अगर अचानक डेट आ गई, पढ़ाई से आपका रिदम टूट गया, तो बच्चों फिर दिक्कत होगी। तो बच्चों, इसलिए टीम न्यूलाइट ने डिसाइड किया है, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने, कि नहीं सर, हम लोग रीनीट के लिए बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे। और वैसे भी बच्चों देखो, पढ़ाई बेकार नहीं होती। जब नीट के लिए इतने सारे टेस्ट कराए, इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो हम इस टाइम को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मिश्रा सर हमारे साथ हैं, हमारे सेंटर हेड। मिश्रा सर, ये बताइए कि क्या डिसाइड किया है नीट, जो 8 जुलाई को कोर्ट का डिसीजन होने वाला है जी, माननीय कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, उसके पहले क्या डिसाइड किया? सर, आपने बच्चों को यही सलाह दी है कि बच्चे तैयारी जारी रखें, और हम लोग इसके लिए 5 पेपर कराएंगे, 3 जून में और 2 जुलाई में। डेट बता दीजिए, उनके डिसीजन से पहले। जून की डेट है 21, 24 और 29 जून, और जुलाई में 3rd और 6th जुलाई को करा रहे हैं। तब तक 8 को उनका जो है डिसीजन आ जाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि बच्चे नीट के पहले बोल रहे थे कि सर, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा था। जी जी जी, नीट में लग रहा था बिल्कुल रेप्लिका कॉपी है, बिल्कुल वैसे ही पेपर था। सर, वैसे ही तो इस बार क्या होगा, पूरी एनर्जी लगा देंगे हम लोग। लेकिन एक बार और समझ लीजिए कि पेपर थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन अच्छे बनाने पड़ेंगे। हाँ। हो सकता है पेपर थोड़ा सा टिपिकल बने, लेकिन बच्चों पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर, सब कुछ भूल गया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं भूलता, न्यूरॉन में आपके सब सेट है। एक बार अगर स्टिमुलेशन होगा तो सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी, और जिन बच्चों की अच्छी रैंक आई थी, उनकी फिर अच्छी रैंक आने जा रही है, बिल्कुल श्योर है इस बात के लिए। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बच्चों, तो 21 दिन हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। और जैसा कि मिश्रा सर ने कहा कि हम सब तैयार हैं, 21, 24, 29 जून में और 3-6 जुलाई में ये 5 टेस्ट। एक दिक्कत है बच्चों, आपके कमेंट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा। बच्चों, एप्लीकेशन चेंज हुआ है, और ये टेस्ट आप कैसे दे पाएंगे, इसके लिए आपको उत्कर्ष सर बताएंगे। सर, ये जो 500 टेस्ट है, इनके लिए बच्चे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको आप फिल आउट करोगे, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर करेक्टली भरिएगा, और जो बाकी डिटेल्स उसमें होंगी वो भी करेक्टली भरिएगा। तो आपको कॉल और SMS के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, और आप लोग आपको एक्सेस यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ आपको मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू बता देंगे। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे आप टेस्ट दोगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा उत्कर्ष सर, बच्चों की एक कंप्लेन है कि आपके एडमिन की टीम बहुत वीक है, बच्चे फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठता, उनको जानकारी नहीं मिलती। तो आपको 2 लोगों को लगाना पड़ेगा, वीडियो में बच्चा कमेंट करे तो उसको रिप्लाई करने के लिए, और प्रॉपर SMS और रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि जी सर, हुआ है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि इस टेस्ट की कोई फ़ीस है क्या? कोई फ़ीस नहीं है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टेस्ट की कोई फ़ीस नहीं है। जैसे हम लोग पूरे साल आपके साथ लगे थे, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक लगेंगे। मिश्रा सर, एक और क्वेश्चन होगा बच्चों का, क्वेश्चन होगा कि 8 तारीख तक ये टेस्ट आप ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई के बाद अगर कोर्ट का डिसीजन होता है, आ गया जी, तो फिर ये टेस्ट ऑफलाइन कराएंगे हम, फिर ऑफलाइन, और सारे सेंटर पे कराएंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो बच्चों, ये युद्ध हम लोग जीत चुके हैं। देखिए, 2 में 1 काम तो जरूर होगा, या तो रीनीट होगा, या तो रिजल्ट रीपब्लिश होगा। और ये लिख के रख लीजिए, अगर रिजल्ट रीपब्लिश हुआ तो जितने भी बच्चों के नंबर 630 है, उनको भी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पूरा घपला हुआ है। घपला कहाँ हुआ है, 620 से 720 के बीच में हुआ है। तो आपको न्याय मिलेगा, और जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, क्लासेस शुरू हो गई, वो चाहे तो बच्चों अपना काम करें। और इस भ्रम में मत पड़िएगा कि गड़बड़ हो गया, ऐसे ही 2025 में भी होगा, ये पाप का घड़ा फूट गया। अब 2025 बहुत नीट एंड क्लीन होगा, तो नीट विल बी क्लीन, नीट 2025। और 2024 में भी जो डिजर्विंग है उनको मिलेगा ही मिलेगा कॉलेज। मिश्रा सर, हम लोगों ने डिसाइड किया कि 6 तारीख को हम लोग दिल्ली चलेंगे, और हम लोग भी अपने पॉइंट जरूर अपने बिल्कुल बिल्कुल अपने पॉइंट रखेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए।
आप सब बहुत सारे बच्चों को कमेंट थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, FLT शुरू कर दीजिए, तो बच्चों ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो उत्कर्ष सर बाकी टेक्निकल टीम से बात करिए और SMS बच्चों कराइए और वीडियो बना के उसको डलवा दीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यू लाइफ नीड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ आए हैं ये बता देंगे कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन यूज करना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या है कि अपने फोन में आपको आपके फोन में प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर का आइकन होगा जो कि आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा सर्च करने का। तो वहां आपको गूगल प्ले स्टोर के बटन में आपको वहां टाइप करना होगा न्यू लाइट नीड प्रेप। आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको न्यू लाइट नीड प्रेप ओनली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ रहा है और जिनके पास डाउनलोड एप्लीकेशन नहीं होगा उनको इंस्टॉल करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। एक बात और यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ये इसका पिक्चर डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, येलो मार्क होगा यहाँ पे, येलो डिस्प्ले पिक्चर होगा। तो इस एप्लीकेशन को ही आपको डाउनलोड करना है जो आपका ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉग इन इंटरफेस आएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ लॉग इन करने से एक बात और मैं हम आपको बताना चाहते हैं, आपने जो गूगल फॉर्म फिलअप किया हुआ उसमें आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर email ID जो आपने फिलअप किया हुआ है तो हमारे साइड से आपके नंबर पे वाया SMS बाई कॉल आपको user ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा जो कि आपको यहाँ लॉग इन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे आपको यहाँ लॉग इन करना है, फिर इसके अंदर आपको टेस्ट स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या है, जो भी आपके पास user ID और पासवर्ड आए वो यहाँ लॉग इन करना। जिन बच्चों के पास अभी तक ID नहीं मिल पाया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी user ID फिल कर दी है और पासवर्ड मैंने अब यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये आपको सेम यहाँ यही काम आपको भी करना होगा, अपनी user ID आपको फिल करनी है और आपको अपना पासवर्ड, देन आपको लॉग इन बटन में क्लिक करना होगा। लॉग इन बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ही आएगा जो कि ये बता रहा है कि आपकी user ID आपकी डिवाइस से मैप हो गई है, देन आपको ओके बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपका होम पेज होगा जो कि आपके एप्लीकेशन में आपको शो करेगा। तो यहाँ के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं बॉटम पेज में, आप चेक करेंगे, एक आपके पास आ रहा है होम एंड सेकंड आ रहा है बॉटम पेज में आपके पास टेस्ट सेंटर। तो जो आपका मेन ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको टेस्ट स्टार्ट करने के लिए, आपको इसके लिए जाना होगा टेस्ट सेंटर के बटन में। तो यहाँ आपको बॉटम पेज में राइट साइड में टेस्ट सेंटर आपको दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट है आपका टेस्ट पैकेज एंड सेकंड है आपके पास टेस्ट लिस्ट एंड सेकंड है रिजल्ट। तो तीनों ऑप्शन का मैं यूज आपको बता रहा हूँ। जब आपने फर्स्ट आपने टेस्ट सेंटर में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी आपका टेस्ट होगा अपकमिंग आने वाला जो भी आपका टेस्ट होगा उसके लिए आपको देखना कहाँ पे है। तो इसलिए फर्स्ट आपने जो मैंने आपको बताया टेस्ट सेंटर में क्लिक करना है, देन इसके बाद आप करेंगे टेस्ट लिस्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इसी सेम फॉर्मेट में आपको जो भी आपका अपकमिंग टेस्ट होगा एक दिन पहले आपको एक सेक्शन में आपको शो करेगा। तो यहाँ पर टेस्ट के नेम टेस्ट का नाम आएगा आपको एंड टेक टेस्ट एंड कितने मार्क्स टोटल मार्क्स आपका टेस्ट है वो भी यहाँ शो करेगा। तो एंड ऑफ सारी डेट्स आपको यहाँ शो करेगी, ड्यूरेशन आपका हो गया एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपके, तो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ शेयर होगी। इसके बाद जब आपका टाइम जो शेड्यूल टाइम है जो कि 2 से 5 टेस्ट होता है, सारे टेस्ट की अलग टाइमिंग है, तो आपको 2 से 5 जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2 बज जाएंगे, देन आपको टेक टेस्ट बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने से पहले बता दूं जो रिजल्ट आपका सेक्शन ऑप्शन है ये हम आपको बाद में बताएंगे, तो पहले हम यहाँ जान लेते हैं कैसे आपको टेस्ट स्टार्ट करना है। तो ये आपने देखिए सबसे फर्स्ट आपका स्टेप होगा टेस्ट सेंटर, देन सेकेंडरी आपका स्टेप है टेस्ट लिस्ट, देन आपको यहाँ पे आपका अपकमिंग सेक्शन में ये टेस्ट लिस्ट है आपका अपकमिंग सेक्शन ऐसे मान सकते हैं, यहाँ आपको आपका टेस्ट शो करेगा। शो करने के बाद आप दो जब आपका ठीक शेड्यूल टाइम स्टार्ट हो जाएगा देन आपको टेक टेस्ट बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से ये इंटरफेस आ जाएगा नया टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। टेक टेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ डिटेल आएगा कि आज आपका कौन सा टेस्ट है, तो यहाँ को पूरा पिक्चर के साथ डिस्प्ले होगा कि आज आपका ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है या फिर आज ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज का आज का टेस्ट है। यहाँ आपका ये पूरा पेज आपको इंस्ट्रक्शन से आपको मेंशन होगा, तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन आप पूरा रीड कर सकते हैं, सब कुछ आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। देन आप सबसे नीचे अब आपको टेस्ट स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ एक बटन दिया गया आई हैव रीड टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ आपको पहले आपको क्लिक करना होगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेस्ट इज लोडिंग इट टेक सम टाइम लोडिंग टेस्ट इमेजेस। अभी क्या यहाँ पे आपका ये टेस्ट लोड हो रहा है, लोड होने के कुछ ही देर बाद टेस्ट आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड हो गया है, क्लिक करने बाद लोडिंग इमेजेस हो रही थी। इमेजेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास अब ये स्टार्ट एग्जाम का बटन है, ये आपके पास हाईलाइट हो गया है, जो कि अभी इससे पहले आपके पास ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, ये अनहाइलाइटेड था बटन आपका स्टार्ट एग्जाम। जब आपने टिक किया आई हैव रीड द टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो रहा था। डाउनलोड होने के बाद ये स्टार्ट एग्जाम का बटन हाईलाइट होगा आपको स्टार्ट करने के लिए। तो आपको अब चलिए चलते हैं स्टार्ट एग्जाम बटन में, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए अब आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर आपका मोबाइल में आपके ओपन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, हो जाएगा क्वेश्चन आ रहा है आपके ए बी सी डी आपके क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन चेंज करना है या फिर आपको सब्जेक्ट आपको चेंज करना है तो ये देखिए आपके क्वेश्चन आप नेक्स्ट कर सकते हैं स्लाइड करके भी, आप स्लाइड करके अपने क्वेश्चन को आप स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप लेफ्ट में आपको बटन क्लिक करना होगा, स्लाइड करना होगा आपको। अभी आप ये देख लिया कि आपने क्वेश्चन आपको कैसे नेक्स्ट करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट साइड में आपको स्लाइड करके आप अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपको किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में आपको स्विच करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे, टॉप में आपको ऑप्शन दिया गया जहाँ पे फिजिक्स हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली आप केमिस्ट्री में क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके पास केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना, उसके लिए आपको क्या है स्लाइड करना होगा स्क्रीन को, अपनी आप मोबाइल स्क्रीन को फिंगर से आप लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट डिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से आता हूँ फिजिक्स के सेक्शन में। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए और है कि जो बच्चे यहाँ अपनी टेस्ट लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एप्लीकेशन को बंद करके स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी आपको। अगर आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ इंग्लिश पे आपको बाय डिफॉल्ट आएगा ही, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं आप उसको लैंग्वेज को हिंदी में देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, तो अब इस ऑप्शन को भी आपके लिए दे दिया गया, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया आपको। तो ये देखिए आपके पास सिंबल आ रहा है ए, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका क्वेश्चन आसानी से आप हिंदी में अपना क्वेश्चन पेपर आप रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेपर स्विच करने की जरूरत नहीं है आपको। आप वापस को आप चेंज करना चाहते हैं इंग्लिश में, आप फिर से बटन क्लिक कीजिए, अपना पेपर आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल गया, आप आसानी से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन में आप। अब मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना देखना है। सब्जेक्ट अगर आपको स्विच करना है तो आप टॉप बटन में क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट अपना स्विच कर सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप इस बटन में क्लिक करके आप हिंदी बटन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या बाद में आप उसका डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके पास ये बुकमार्क ऑप्शन भी ऊपर दिया गया आपको, जो कि आप यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हैं। अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स करना है तो दिए गए बॉक्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप स्लाइड करके आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर सकते हैं। और ये पेपर अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से तो ये पेपर ऑटोमेटिक आपका ये ऑटो सबमिट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग सबमिट हो जाएगा। और अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया है पहले ही आपके अकॉर्डिंग तो आप सिंपली इस बटन में फिनिश बटन में क्लिक करके आप पेपर सबमिट कर सकते हैं। अभी आपसे पूछा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एग्जाम, अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं अभी तो आप सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबमिट बटन में क्लिक करना है आपको। अब आपका पेपर पूरी तरीके से सबमिट हो गया है। ओके, तो आपको मैंने स्टार्टिंग तीन ऑप्शन बताए थे, टेस्ट पैकेज, टेस्ट लिस्ट एंड आपका थर्ड ऑप्शन था रिजल्ट। तो यहाँ आपका पेपर आपका सबमिट होने के बाद आप सडनली अगर आप सबमिट हो जाता है या फिर आपका टाइमली 5 बजे पेपर ओवर हो जाएगा तो आपको उस टाइम पे तो सडनली आप अपनी रिपोर्ट आप यहाँ देखने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अभी रिजल्ट, बट आपको टाइम के अकॉर्डिंग ये उस टाइम के बाद ही रिजल्ट की आपकी जो एनालिसिस रिपोर्ट होगी वो आपको डिस्प्ले होगी। पेपर सबमिट होने के तुरंत बाद आपको ये डिस्प्ले नहीं होगा आपको। अब अगर आप सबमिट करके आप होम स्क्रीन में वापस आ गए हैं तो जो भी आपका पेपर जब भी आपका सबमिट होगा या आप कभी अपने बैक पेपर को या एनालिसिस रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको रिजल्ट सेक्शन में ही आपको जाना होगा। वो सारे टेस्ट यहाँ आपको डिस्प्ले होंगे जो आप पहले ही अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनमें व्यू रिजल्ट ऑप्शन में क्लिक करके आप अपनी कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन में क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन पेपर को
पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या गलत था और क्या हमने गलत किया है, वो आप एक्सप्लेनेशन और आंसर की के साथ आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है और हमारा आंसर करेक्ट क्या है आप देख सकते हैं। जो आपने करेक्ट आंसर दिया होगा वो आपको यहाँ राइट साइड में आएगा और जो आपकी आंसर की है वो आपको लेफ्ट साइड में शो करेगी। हर एक क्वेश्चन पेपर की आपके एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट आपकी नीचे होगी, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपका नीचे दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे दिया गया है। ये करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, ये आपकी आंसर की का आंसर है और जो आपने रेस्पॉन्स किया होगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं योर आंसर। अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ आपको ग्रीन टिक में आपको मार्क शो हो जाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा तो आपको सेम रेड कलर से आपको क्रॉस मार्क शो करेगा आपको। तो मुझे लगता है आप लोग को काफी कुछ समझ में आ गया होगा और अब मुझे लगता है मेरे बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देने में कहीं भी समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।